टेलीग्राम के अंदर बल्क अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। टेलीग्राम का बल्क अकाउंट क्रिएट करके आप कैसे उसको अपने बल्क एडर मेंबर एडर सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये मेरा वीडियो मतलब मेरा वेबसाइट है, आप यहाँ से सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे सॉफ्टवेयर की डिटेल मिल जाएगी जो हम टेलीग्राम मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं और अदर सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट में आकर के आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये हमारे टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और बाकी सारा सॉफ्टवेयर का डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेबसाइट खोलना पड़ेगा जहाँ से हम API कनेक्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट, ठीक है। तो हमने ये वेबसाइट खोली है smsactivate.io, ठीक है। यहाँ से हम वर्चुअल नंबर से यहाँ से इनसे वर्चुअल नंबर्स लेंगे, ठीक है। किसी भी कंट्री का हम नंबर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्टिवेशन पे क्लिक कर दिया। जस्ट साइनअप करना होगा आपको जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। साइनअप कर लेंगे। साइनअप करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेंस आएगा। तो सिंपली आपको एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। थोड़ी देर वेट करेंगे और जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हमने ये ओपन कर लिया है। इसके अंदर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल दिखेगी, ठीक है, TG बल्क टेलीग्राम अकाउंट क्रिएटर। तो जस्ट आपको इसको डबल टैप करना है, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हम फिर से इसको रीओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स, हमें कितने नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अभी पुट इनपुट कर देता हूँ 2। हमने यहाँ बोला हमें 2 नंबर चाहिए, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें API की अपनी इनपुट करनी होगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम API की कॉपी कर लेंगे। साइनअप करने के बाद आपको बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस ऐड करने के लिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड की, ठीक है। कॉपी की हमने API की और हम अपने सॉफ्टवेयर के GUI पे आए और यहाँ पे हमने API की पेस्ट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंट्री कोड लिख दिया। एग्जांपल के लिए आपको कंट्री कोड बताऊँ, USA का यहाँ पे 12 कंट्री कोड है। कंट्री कोड आपको देखना है आपको तो अवेलेबल 185 कंट्रीज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे कंट्री कोड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे पता है तो मैं 12 कर देता हूँ USA के लिए और मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम रन करेंगे ये सॉफ्टवेयर यहाँ से नंबर जिसे जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। इसने ये नंबर जनरेट किया है, अब इसके OTP के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो वेट कर रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर अभी कोड नहीं आया। जैसे ही कोड आएगा मैं इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नंबर्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नीचे नंबर आपका ये जनरेट हो रहा है, वेटिंग पे है 20 मिनट्स, अभी तक कोड रिसीव नहीं हुआ और ये कोड आ गया, देखिए 58683। इसने क्या किया, टेलीग्राम अकाउंट को साइनअप किया फ्रेश अकाउंट को, ठीक है। उसमें फोटोज़ लगाई, फर्स्ट नेम लगाया, लास्ट नेम लगाया, अबाउट फिक्स किया, प्रोफाइल पिक्चर लगाया, ठीक है। कंप्लीट अपडेटिंग प्राइवेसी किया, उसने अपडेट की प्राइवेसी जो हमने उसको सेटिंग बता रखी है, कंप्लीट हो गई प्रोफाइल और उसने हमारा सेशन सेव कर दिया। अब इसने नेक्स्ट नंबर जनरेट किया, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जनरेट हुआ USA का, आप कोड का वेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोड रिसीव हो गया यहाँ पे हमारा ये सेशन फाइल क्रिएट करके सेव कर देगा, ठीक है गाइस। तो आप कोई भी रीसेलर हैं या कुछ भी हैं तो आपको अगर बल्क एक टेलीग्राम अकाउंट जनरेट करने हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ऐड कर पाएँ, टारगेट ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएँ, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा है गाइस। एक दिन में आप मैक्सिमम नंबर जनरेट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आपको मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, आपने इसको बोला 100 नंबर्स का टास्क दे दिया और आप इसको जनरेट करके रख देगा, ठीक है। उसके बाद सीधा आपको डायरेक्टली एडिंग ही करना होता है, ठीक है। जैसे कि अब ये देखिए इसने कर दिया अपना टास्क कंप्लीट और ये सेव हो गया। इसको हम काट देते हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे हमारा API के अंदर हमने 2 नंबर परचेस कर लिए, ठीक है। अब ये नंबर हमें क्या करना होता है, सिंपली सेशन फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेशन फाइल, ठीक है। जैसे ये मेरे पुराने कुछ सेशंस हैं तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, मैं अपने सॉफ्टवेयर वाले जहाँ पे मेरा एडिट टूल है उसके अंदर गया मैं, ठीक है, और सेशंस के अंदर जा करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा सेशंस, ठीक है। मैंने सेशंस पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है हमें, हम फोन फाइल को एडिट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के एडिट टूल के अंदर, ठीक है। और सबसे टॉप पे हम इसको यहाँ पे टॉप में हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ एग्जांपल के लिए टॉप में, ओके, मैं इसको टॉप में ऐड कर देता हूँ। अभी इसको हम सॉफ्टवेयर जहाँ पे हमने नंबर्स निकाल रखे वहाँ पे चलते, ठीक है, यहाँ पे। और अपने यहाँ फाइल पे आए, यहाँ पे एक फ़ोन फाइल होगी आपको दिखेगी, आप फ़ोन फाइल को एडिट विथ नोटपैड करेंगे इसको भी,
ठीक है, यहाँ से हमने जो नंबर जनरेट किए गाइस वो नंबर हमें लेने थे। एग्जांपल हमने चार ये दो नंबर जनरेट किए, ठीक है, तो ये दो हम नंबर ले लेते हैं, ये दोनों नंबर हमने जनरेट किए और हम इसको यहाँ पर टॉप पे लाकर पेश कर देते हैं, ठीक है, कंट्री कोड डालने की जरूरत नहीं, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एडिटर टूल के अंदर। तो हमने रन किया सॉफ्टवेयर को, ठीक है, एक इनपुट किया, ये लॉगिन हो जाएगा गाइस, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए दोनों नंबर हमने जो जनरेट किया, सेशन लॉगिन हो गया, ठीक है, तो दोनों नंबर लॉगिन हो गया। वो मेरा नंबर है, थर्ड नंबर जो आपको दिखा रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, जो कुछ स्पैम हो रखा है जिसकी वजह से पॉपअप बंद हो गया, कई लोग सोचेंगे कि नहीं, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है, वन इनपुट दिया, ये लॉगिन करेगा, ठीक है, ये देखिए आप दोनों नंबर लॉगिन हो गया, ठीक है। तो तीसरा नंबर मेरा नंबर है, जो पुराना नंबर है, ये स्पैम ब्लॉक बैन हो रखा है, ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ काफ़ी टाइम से नहीं किया, तो बैन हो रखा है। ये दोनों नंबर सभी हमने जो जनरेट किए एकदम ओके हैं। अब इन नंबर्स का आप यूज़ करके एडिंग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। किसी को भी ये सॉफ्टवेयर अगर परचेस करना है तो डायरेक्टली आप हमसे परचेस कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली हमारा सॉफ्टवेयर है, टेलीग्राम मेंबर @edo.com हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और हमारी दूसरी सेकेंड ऑफिशियल वेबसाइट है अनूप कुमार पटेल। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, या यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी जो भी, ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।